सॉल्वेंसी रेशियोज में हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो हमने कुछ ज्यादा ही डिटेल में करा, आराम आराम से करा, क्वेश्चंस भी करे, फॉर्मूला के सारे एप्लीकेशंस भी करे। व्हाई अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे से आता है तो आपको दो और रेशियो फ्री में मिल जाते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। एक एक करके बात करते हैं। अभी हम सॉल्वेंसी रेशियोज ही कर रहे हैं। पर्पस इज टू एसरटेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट सॉल्वेंसी में टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आप कंपेयर कर रहे हैं। आप क्या कंपेयर कर रहे हैं? दो रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। क्या टोटल एसेट्स टू डेट? अभी नाम सोचो ना, कितने आसान है याद करना, बट कुछ लोग ये भी भूल सकते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपका डेट कितना है, कह रहा है 50 लाख। आपके पास एसेट्स कितने हैं, कह रहा है 1 करोड़। तो मतलब योर एसेट्स आर डबल योर डेट। तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि जिन्होंने आपको डेट दे रखा है वो लोग सिक्योर्ड हैं कि नहीं है, आपके पास सफिशियंट एसेट्स हैं कि नहीं है। तो ये है पर्पस, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होता है। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट अपॉन डेट। नाउ डू आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आर डेट्स? नो, डेट इक्विटी रेशियो में जो डेट थे वो वही है। टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ द एसेट साइड, टोटल ऑफ द एसेट साइड। क्या नहीं कंसिडर करेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई है, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है, फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर नहीं करेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ द एसेट्स साइड। टोटल एसेट्स क्या करेंगे हम? टोटल एसेट्स इंक्लूड नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इनटैंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस। टोटल ऑफ दी एसेट साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कह रहे मतलब, कह रहे करंट रेशियो जब निकाल रहे थे तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त आप नहीं कंसिडर करते थे एक्सक्लूडिंग, इन्वेंट्रीज लेते थे बट एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यस और नो? तो कह रहे यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो टोटल एसेट्स तो आप उनको भी कंसिडर करोगे। कह रहे क्यों? कह रहे वहां पे था शॉर्ट टर्म में पैसे देने के लिए हमारे पास कितना पैसा है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी। अब हम देखना चाहते हैं कि बिजनेस में टोटल पैसा कितना इन्वेस्टेड है, पैसा तो लगा ही हुआ है ना उनमें भी, है तो आपके एसेट्स का ही पार्ट। तो टोटल एसेट्स लेंगे। क्या लेंगे हम? टोटल एसेट्स लेंगे। कोई डाउट? तो डेट हमें पता ही है, टोटल एसेट्स टोटल ऑफ द एसेट साइड। एसेट्स में हम मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, और आपके अदर नॉन करेंट एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कोर्स में नहीं है। तो वो तो जो ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है वो तो एक अलग ही बात हो गई। चल सकते हैं आगे। व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग दिस रेशियो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। सिंस इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड। कह रहे हमारा पर्पस ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में इमीजिएटली कितना पैसा है तो हम सारे एसेट्स ही कंसिडर कर लेंगे, तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं एक्सक्लूडेड। तो सर करेंट रेशियो में क्यों करते थे? वहां पे पर्पस था कि इमीजिएटली पेमेंट करने के लिए पैसा कितना है, तो उसके लिए लूज टूल्स एंड वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते, वो बेनिफिट देंगे आगे प्रोडक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे नहीं करते। पर्पस क्या है? टोटल एसेट टू डेट, इट मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स। कह रहे सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी कवर कितना है? कह रहे भाई साहब डेट है 50 लाख, एसेट्स है 1 करोड़, यू आर कवर्ड। तो सेफ्टी कवर मतलब समझ आए, सेफ्टी मार्जिन। इन अदर वर्ड्स इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डेट इज कवर्ड बाई द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। अ हाई रेशियो मीन्स हायर सेफ्टी कवर, जितना हाई रेशियो है
उतना ज्यादा उनको कवर मिल रहा है, जितना कम है उतने ज्यादा रिस्क पे बैठे हैं मनी लेंडर्स, जिन्होंने आपको डेट दे रखा है, जिन्होंने आपको लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, वो रिस्की पोजिशन में है अगर आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो लो है तो। ओके, कोई डाउट? क्लियर? फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स में क्या रहा है, टोटल ऑफ द एसेट साइड लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आएगा। ओके, डेट जैसे निकालते थे वैसे ही निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।